ऑलराइट गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं बात करूंगा फोटोशॉप ग्लो के बारे में। और ये ट्यूटोरियल आप बहुत जल्दी देख रहे हैं, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि जैसे जैसे पोस्ट मैं करता हूँ वैसे ही ट्यूटोरियल डाल दूँ, क्योंकि हर किसी को गो थ्रू होना होता है कैसे फोटो बनती है। तो मैं हर चीज़ और इसकी PNGs जो होती हैं, जो फाइल्स होती हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो वहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे और ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा नहीं है, टेलीग्राम में है। और आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, आप अपनी इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सारे एसेट्स और प्रीसेट जो भी होते हैं मैं वहीं डाल देता हूँ, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ से निकालने में, इसलिए मैं हर चीज़ वहीं रखता हूँ। सो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है, फ़ोटोज़ रहती हैं कि आप देख सकते हैं कि कौन सी क्या थी। पहले मैं शायद थंबनेल नहीं बनाता था, अब बनाने लगा हूँ तो थंबनेल के साथ डाल देता हूँ, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इस चीज़ के PNGs हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा वो सब चीज़ें कि कैसे डाउनलोड करते हैं। और जिनका ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो गूगल क्रोम में आप अपने लिंक को खोलें तब ज़रूर हो जाएगा, और टेलीग्राम ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था डाउनलोड करने के बारे में पॉइंट्स बताना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फोटोशॉप ट्यूटोरियल के बारे में, और स्टार्ट करते हैं कि ये वाली क्रिएशन कैसे हुई थी। ये सिमिलर है पहली वाली क्रिएशन से, सो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। होप आप इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे मेरे को। और अगर आप मेरे एसेट्स यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें मुझे इंस्टाग्राम पे, और मुझे टैग करें अपने फ़ोटोज़ में। लाइक जो भी आप क्रिएट करते हैं तो मैं उसे ज़रूर शाउट आउट दूंगा। आप अच्छी क्रिएट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको शाउट आउट दूंगा। और हैशटैग सारविन ज़रूर यूज़ करें अपनी फ़ोटोज़ में क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ फ़ोटो पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ सारी लेयर्स बंद कर देता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड लिया था थंडरस्टॉर्म का, और ये पिक्सबे पे है, तो उस पर मैंने ब्लर अप्लाई कर रखा है। सिंपल, चाहे आप गॉजियन बॉक्स कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, सारे ब्लर एक ही जैसे लगते हैं मुझे जहाँ तक मैंने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने आप को इम्पोर्ट कर रखा है, और ये मैंने अपने सोनी अल्फा 6000 से क्लिक कर रखी है। मेरा जो DSLR है 50 mm लेंस है उस पर, तो कोई हाई फाई चीज़ें इतनी भी नहीं है, और इस बार थोड़ी शार्प नहीं फोटो थी। तो अगर आपको DSLR ट्यूटोरियल्स चाहिए कि फ़ोटो भी कैसे क्लिक करें इजीली और अच्छे से, और कंसेप्चुअल फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करते हैं, तो वो भी मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। अगर चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिए। और ये बैकग्राउंड हटाया था मैंने थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ एक मेन स्टेप करा था, वो था HSL का। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, HSL से आप ना ब्राइटनेस निकाल सकते हैं अपने फ़ोटो से। तो मैंने यहाँ लाइटनेस निकाल दी इतनी। ठीक है, अब मैंने क्या ट्रिक अपनाई, मैंने यहाँ मास्क करा। ठीक है, मास्क अप्लाई यहाँ पहले से ही होगा, तो जो भी मास्क था, फिर मैंने ब्रश लिया एक छोटा साइज का, और मैंने वहाँ वहाँ पेंट करा जहाँ जहाँ लाइट हो सकती है, जैसे यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो ये वो वाला एरिया है जहाँ से मुझे लाइट चाहिए, तो मैंने वहाँ वहाँ लाइट कर दी, और बाकी सब सारी जगह मैंने लाइट नहीं रखी है। ओकेजनली आप यही समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में मैंने बहुत लाइट कर रखी है, तो जहाँ जहाँ हिट कर सकती है मैंने वहाँ वहाँ पेंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कर्व से मैंने बाकी जो चीज़ें थी उनकी ब्राइटनेस डाउन कर दी है यहाँ पे, लाइक दिस कर्व। ठीक है, तो ये कर्व बहुत काम आता है। अब जो ये होता है कि मैंने यहाँ पे ग्लो के लिए पोर्शन बनाना था। पोर्शन मतलब कि मुझे ग्लो कितना करना है, तो मैं उतना पेंट कर दूंगा जिस भी कलर का मुझे चाहिए होगा ग्लो। मुझे इस कलर का ग्लो चाहिए था, मैंने पूरा पेंट कर दिया है बस। अब मैं यहाँ से सैंपल ले रहा हूँ, और ये पेंट करना है सिंपल सिंपल, जहाँ भी आपको ग्लो चाहिए। ठीक है, फिर नॉर्मल से हटा के आपको ये ब्लेंड मोड कलर पे लाना है, तो वो कलर वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, लाइक ब्लेंड हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट अपना फोटोशॉप का लोगो, और ये ज़रूर मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि ग्लो करें फिर ये वो। फिर उसके बाद मैंने रिम लाइट्स डाली थी, और रिम लाइट का मैंने ट्यूटोरियल बहुत अच्छा बना रखा है, तो आप ज़रूर वॉच करें। पहले या दूसरी तीसरी वीडियो होगी चैनल में ही है, रिम लाइट के नाम से बनी होगी, और उस पर लाइक मॉन्यूमेंट आर्किटेक्ट होगा, सफदरजंग फोर्ट होगा, तो
तो आप देख सकते हैं इजिली वहाँ से, वो चीज़ जरूर निकालें। और बॉक्स पे भी लिखा होगा रिम लाइट, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो वो रिम लाइट का ट्यूटोरियल जरूर वॉच करें अगर आपको ऐसे रिम लाइटनिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ रिम लाइट क्रिएट कर रखी थी यहाँ पे, और ये फेस पे थोड़ी सी मैंने ब्लर कर रखी है फेडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक पे मैंने करी थी, कि नेक पे भी होता है कि स्किन जब फोल्ड होती है तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आ जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ जस्ट मैंने यही चीज़ क्रिएट कर रखी है, ठीक है। और ये हेड का तो सिंपल है, कोई वो नहीं है। हेड का मैं समझा भी देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं आता तो आप पेन टूल लेंगे, पेन टूल से आपको जो भी मार्क करनी हो जगह, जैसे ये ऐसे सिलेक्शन लिया आपने, और पेन टूल का भी ट्यूटोरियल, अगर आपको पेन टूल भी नहीं आता तो इतना करना है, फिर राइट क्लिक एंड स्ट्रोक पाथ करना है, लेयर विजिबल करके स्ट्रोक पाथ करेंगे, ठीक है। सिमुलेट ब्रश स्पेसर पे क्लिक करके ओके कर देना, आपका अपने आप ही बन जाएगा ये ऐसा वेक्टर पाथ, ठीक है। और मेक श्योर कि आपके ब्रश का साइज इतना ना हो, अराउंड 7-20 तक हो, ठीक है, तभी ऐसी लाइन है, कि नहीं तो वो ब्रश का साइज लेता है और वो बड़ा बन जाएगा आपसे, फिर आप कहोगे कि नहीं बना नहीं बना। यही चीज़ है। उसके बाद मैंने यहाँ एक ग्लो डाल रखा है, ग्लो इंसेंस हार्ड लाइट का ग्लो था। हार्ड लाइट का ग्लो बहुत इम्पोर्टेंट होता है फोटोज़ में, क्योंकि हार्ड लाइट एक कॉन्ट्रास्टी लुक क्रिएट करती है। तो जो जैसे मैंने नीचे कर रखा था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसका ब्लेंड मोड बंद करके, तो कुछ ऐसा है सिंपल सिंपल, मतलब मैंने बहुत हल्का पेंट कर रखा है, मतलब फ्लो कम करके, ठीक है, फिर उसे हार्ड लाइट में कर दिया है कि जस्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप हार्ड लाइट कितना फ़र्क डालती है एक फोटो में। उसके बाद ये थोड़ा मैंने बैकग्राउंड फिल करने के लिए सारी चीज़ें रखी थी, कि यहाँ आप देख सकते हैं एजेस पे ये दिख रहा है। उसके बाद ये मैंने ग्लो डाल रखा है सिंपल, तो ये तो आपको PNG मिल जाएगी डायरेक्ट, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये और ये पूरा टोटल, हाँ, तो ये टोटल PNG मिल जाएगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा मैंने एक हार्ड लाइट डाली है, और इस टाइम ओपेसिटी 20% थी, फुल होती तो इतना दिखता हो गंदा, ठीक है, तो लो करके उसे ज़रूर डाला और स्प्लिट कराए। स्प्लिट करने से देखिए आप कितना फ़र्क पड़ता है, तो इसे ट्राई आउट करें आप। ये नहीं कि आप जस्ट ट्यूटोरियल वॉच कर रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस भी ज़रूर करा करें, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। और उसके बाद जस्ट मैंने एक थोड़ा सा ब्रश लेके और यहाँ से लाइट पेंट कर दी थी, वाइट ब्रश लेके, सॉफ्ट फैदर्ड ब्रश आप लेंगे इतना बड़ा, और फिर उससे धीरे 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 ऐसे पेंट करेंगे, तो जस्ट ऐसा क्रिएट हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने स्मोक डाल रखे हैं, स्मोक भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, बहुत थोड़ा ये अलग वाला स्मोक है, नेट पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ सारी चीज़ें डार्क कर दी हैं और सेंटर को लाइट करा है, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए थी पूरी विजिबिलिटी अपने फोटो में अपने लोगों के ऊपर, तो वहाँ पे मुझे ड्रैग करना था टेंशन, तो मैंने वही चीज़ें रखी हैं। फिर उसके बाद मैंने एक कलर ग्रेड कर रखी है सिंपल, और कैलेंस क्लाउड नाम का प्रीसेट होगा, उसमें आप देख सकते हैं और आप अप्लाई कर लेंगे, वो बहुत सारी आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारे लट्स डाल रखे हैं अपने, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ ये स्पार्क्स की PNG निकाली थी, फिर कर्व से थोड़ा ये ब्लेंड करा कि ये हट जाए, वाइट वाइट जस्ट ऐसे करना होता है, कर्व को नीचे से इधर करना होता है, तो आपके वो वाइट हट जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेडियंट मैप डाला है सिंपल, ब्लैक एंड वाइट वाला है, और उसको सॉफ्ट लाइट पे कर दिया था, और अगर आप फुल रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बहुत भद्दा सा, लेकिन कम लिटल यूज़ में वो सही दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट करने। और फिर एक ब्राइट है, ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट विद ऑटो क्लिक, ऑटो क्लिक कराए, जो सेटिंग आ गई वही बेस्ट रहती है, क्योंकि ये स्क्रीन को अडेप्ट करा देता है हर जगह पे, और ये एक बहुत सही पॉइंट है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ये एक ट्रिक टाइप पर्पस पे पूरे ट्यूटोरियल बेस्ड था, कि आप कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, और ये कोई एक्सप्लेनेटरी ट्यूटोरियल नहीं है, मैंने हर चीज़ का सेपरेट बना रखा है, अब रिम लाइट के लिए, कटिंग के लिए, तो
तो आप वो सब वॉच करेंगे तो आपको ये सब भी क्रिएट करना बहुत इजीली आ जाएगा। इसमें मैं बस समझाता हूँ की पॉइंट्स कि क्या क्या आपको ज़रूरी होता है फ़ोटो में करने के लिए। अब मैं हर फोटो को बार बार बेसिक्स टू प्रो आपको बताता रहूँगा तो उसमें मेरा भी टाइम खराब होगा और आपका भी होगा। बजाय आप समझें अच्छी चीज़ को कि क्या होना चाहिए, लॉजिक समझें, ना कि कॉपी करते रहें। कॉपी करने से कुछ नहीं होता फोटोज़ को, जब तक आप ग्रो खुद नहीं करते, अपने आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से आप क्रिएट नहीं करते, जब तक आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है फोटो क्रिएटिंग में। मैं होप करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छी क्रिएट करें और चीज़ें, और मुझे ज़रूर टैग करें इंस्टाग्राम पे, ज़रूर मैं चेक करूँगा आप सब के वर्क, और हर डीएम को मैं पढ़ता रहता हूँ। मेक श्योर कि आप सही डीएम करें और टू द पॉइंट बात करें, ये नहीं कि हाय हेलो। मैं किसी को टाइम बताने के लिए इतना वो नहीं हूँ वेला, तो आप ज़रूर बस टू द पॉइंट बात करें डीएम में, सीधा शेयर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर सॉर्ट आउट कर दूंगा आपकी। सो थैंक यू गाइज, और इस ट्यूटोरियल को यहाँ रैप अप करते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।